हाँ आरपुर पटेल, आरपुर पटेल ठीक है सर। लेकिन एक सेकेंड, पेन, एक पेन बहुत काम आता है। कब? सही बात, टाइम पे आता है तब। टाइम पे काम आता है। हाय गाइस, ये पहला एपिसोड है और हम रिव्यूज़ लेने आए हैं मिस्टर बीस्ट और कैरी मिनाटी के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि कैरी मिनाटी इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है और मिस्टर बीस्ट दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। और चलिए चलते हैं हम रिव्यूज़ लेने। तो मतलब लाइक मिस्टर बीस्ट को जानते हो आप? कैरी मिनाटी को भी जानते हो भाई? आपको दोनों, एक सेकेंड में फ्रेम पर आ जाता हूँ, दोनों में से आपको कौन पसंद है? लाइक मिस्टर, आप दोनों को जानते हो? वैसे तो आपको भी पता होगा कि वो कैरी मिनाटी कैसी, मतलब यूज़ जो वर्ड करता है ना, मुझे वो पसंद नहीं है। गालियाँ यूज़ करता है। और बीस्ट तो, मिस्टर बीस्ट सही है, मतलब वैसे तो मुझे मिस्टर बीस्ट ही सही लगता है कैरी मिनाटी में। कौन सा यूट्यूबर है जो इंडिया का जो आपको पसंद है? मतलब एलविश यादव सही लगता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई, वीडियो बना सकते हैं? कुछ क्वेश्चन करने थे हमें मिस्टर बीस्ट और कैरी मिनाटी के ऊपर। हम दोनों को ही नहीं देखते। जानते हो आप? हाँ जानते हैं, बट देखते नहीं ज्यादा। अच्छा, मतलब कुछ भी व्यूज हो आपके तो आप शेयर कर सकते हो। काफी टाइम से देखा नहीं है कैरी मिनाटी की, पहले देखते थे वीडियोस, अभी काफी टाइम से देखी नहीं। अच्छा, और मिस्टर बीस्ट? मिस्टर बीस्ट देखी। चलिए कोई नहीं। आपके चैनल का नाम? अर्पित पटेल। चैनल तो मेरा बड़ा नहीं है, फर्स्ट वीडियो है अभी। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू गाइज। अभी एक भाई और मिले, उनसे भी पूछते हैं। भैया कैरी मिनाटी को आप जानते हो? कोई ना जानता। और मिस्टर बीस्ट? कुछ ना जानता। मिस्टर बीस्ट ही है और कैरी मिनाटी है, इसने ना जानता। नहीं सही में नहीं जानते? कोई ना जानता इसने। अच्छा, है क्यों ये राम मेरांडी जाना है वो। कैरी मिनाटी और मिस्टर बीस्ट को जानते हो? कैरी मिनाटी है, मिस्टर बीस्ट ही है। दोनों में से आपको कौन पसंद है? भाई मेरे को देखो, इंडिया के हिसाब से लैंग्वेज मेरे को इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है, तो कैरी बेस्ट लगता है भाई। जो भी बोलने का स्टाइल है, और भाई ठीक है वो। अच्छा। रोज पोज भी करता है, बढ़िया है। तो कैरी मिनाटी का क्या अच्छा लगता है आपको? कैरी मिनाटी का तो कैरी का भाई देखो, गालियाँ सही लगती है भाई। देता है कहीं भी, और बड़े बड़े स्टार को कुछ भी रोस्ट कर देता है भाई, वो बढ़िया है। क्यों कर दिया मेरा भी एक सीन ले लो यार। तो आप मिस्टर बीस्ट को जानते हो? हाँ जानता हूँ। कैरी मिनाटी को? हाँ। मिस्टर बीस्ट कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं यूट्यूबर। हाँ अमेरिका के हैं। हाँ, और कैरी मिनाटी इंडियन यूट्यूबर है। ठीक है भाई स्माइल कर देना तगड़ी वाली। ये कौन स्माइल? भाई कैरी मिनाटी को जानते हो आप? हाँ जानता हूँ। मिस्टर बीस्ट? हाँ उसको जानता हूँ। दोनों में से कौन पसंद है आपको? कैरी मिनाटी। क्यों? बढ़िया रोस्ट मारता है वो। मिस्टर बीस्ट? मिस्टर बीस्ट का पता नहीं, मेरे को श्योर नहीं है, ज्यादा तक मैं देखता नहीं हूँ। कैरी मिनाटी का देखता हूँ। और क्या करता है वो? इमोशन उसके उसके अपना जो मिस्टर बीस्ट है, मिस्टर बीस्ट तो अच्छी अच्छी वीडियो बनाता है, वो सबको बताता है कि भाई दूसरों की हेल्प करना चाहिए। अगर उसके पास पैसा है तो वही पैसा वो दूसरों को हेल्प करके बनाता है, कि जैसे उनका घर बना रहा है, किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है, उसको घर देता है बना के। सही बात। हाँ सही वाला चैनल है, उसमें उसको डालता है, कई कई देशों में जाता है, कई कई बड़ी बड़ी चीजें कर देता है, जो क्योंकि उसके पास पैसा है। सही बात है। और उसकी वीडियो अब इंटरेस्टिंग भी लगती है, पहले से भी शुरू से अभी तक उसकी इंटरेस्टिंग होती है, और कैरी की पहले लगती थी इंटरेस्टिंग, अब उतना मजा नहीं रहा। जो अभी जो नई वीडियो आई है उसकी एक, उसमें भी इतना सही नहीं है, पहले से ही लगती थी कैरी की वीडियो, उसमें कैरी कुछ कर नहीं रहा ना इतना कुछ। वही लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इधर खूब लो इनकी पहली वीडियो क्यों साइन ले रहे हो? कैरी मिनाटी को जानते हो आप? और मिस्टर बीस्ट? दोनों में से आपको कौन पसंद है? भाई अपना इंडियन तो मिस्टर बीस्ट है नहीं, भाई कैरी मिनाटी है, उसे ही पसंद करते। लाइक आप, अच्छा तो आप इंडियन में, इंडियन यूट्यूबर्स में कौन आपको पसंद है? मोस्टली भुवन बम। भुवन बम देखो, आप कैरी मिनाटी पसंद है, बट ठीक है लोग, अभी मैंने लास्ट लोगों ने बोला कि गाली देता है, अच्छा नहीं लगता, तो मतलब वो आपको उसके बारे में क्या बोलना है?
देखो भाई आज के टाइम पे स्लैंग्स हर जगह यूज होते हैं, हमारी जनरेशन इसी को देख के बड़ी भी हुई है, जेन जी जनरेशन जो कह रहे हो, तो हमारी जनरेशन इसी चीज को देख के बड़ी भी हुई है, तो स्लैंग्स हर जगह यूज होते हैं। अब उसको स्लैंग की तरह लेना ठीक है, अब अगर वो कुछ ऑफेंसिव कर देते हैं वो अलग चीज है, बट जहाँ तक देखा जाए ऑफेंसिव होता नहीं है। बिल्कुल, कभी कभार कंट्रोवर्सीज हो जाती है तो वो चीज वो संभालते हैं। अभी जैसे कि राइट नाउ संदीप महेश्वरी के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो चीज एडिट भी होगी थी उसकी वीडियो में। सो ये स्लैंग्स हर जगह यूज होते हैं, और स्लैंग्स के बिना आधों को मजा भी नहीं आएगा, उसकी ऑडियंस तो आधी उसी की देखती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।